आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। शहर हैदराबाद में कब्रिस्तानों के माफिया का जुल्म बढ़ता जा रहा है। जी हां, और मुतवली की मदद से इन माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मनमानी फीस ले रहे हैं, हजारों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया हबीबनगर पुलिस हुदूद नामपली इलाके में देखने मिला। मुकामी आवाम ने कहा कि यहां के मुतवली मीर अहमद अली पर इल्जाम लगाया कि कुछ रुपयों के लिए कब्रिस्तान की जगह बेच रहे हैं। पूछने पर डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड औकाफ की जायदादों को महफूज करने के इंतजाम पर नाकाम है, या फिर वक्फ बोर्ड ऐसे दलालों के साथ मिलकर औकाफ की जायदादें बेच रहा है? क्यों मनमानी फीस दफनाने के लिए ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। औकाफ की जायदादें हिफाजत करने में नाकाम औकाफ बोर्ड और हुकूमत हो रही है। तेलंगाना इलाहाबाद से पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और डिप्टी सीएम महमूद अली ने बड़े बड़े वादे किए और दावे किए कि औकाफ की जायदादों पर अब कोई कब्जे नहीं होंगे, लेकिन जब से इलाहाबाद तेलंगाना हुआ औकाफ की जायदादों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं और मनमानी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनसे हिसाब लिया जाए, क्योंकि कब्रिस्तानों के अतराफ जितने दुकाना होते हैं और जो किराएदार को रखते हैं लाखों रुपए वसूल करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को कुछ ही रकम दिया करते हैं, तो फिर ये पैसा कहां जा रहा है? कौन कौन इस जुर्म में मुलविस हैं? ये तमाम का तमाम चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि बातें ना करें बल्कि काम करें और ऐसे लोगों पर इंक्वायरी करें ताकि आवाम का पैसा निकल सके। क्राइम टुडे न्यूज को मुसलसिल धमकियां मिल रही हैं, ऐसे न्यूज ना डालें, लेकिन हम ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं। हक बताना और हक को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, और हम वो लोग को कह दें जो हमें धमकियां दे रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं, हम उनको वाजे तौर पर बता देना चाहते हैं कि क्राइम टुडे न्यूज किसी के मोहताज नहीं है और ना किसी से डरने वाला है। क्राइम टुडे न्यूज अवाम के दरमियान काम करने वाला है और हक को बताने वाला है, और हम किसी से डरने वाले नहीं। हम हमारी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाना भी जानते हैं। और क्राइम टुडे न्यूज आप तमाम से अपील करता है, आप भी जाग जाएं और सच का साथ दें। जब तक आप खामोश रहेंगे, ऐसे दलाल और ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास कोई इत्तला हो तो फौरन हमें खबर दें ताकि हम उसको आम करें और आवाम के दरमियान लाए। शेख रहमत अली के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। किसको दे रहे हैं खबर? हो किसको कोजा सी है साहब को? वक्फ बोर्ड के। उनका हड़वाड़ था क्या यहाँ पर? कहाँ है हड़वाड़? कितने में दिया आपको? नहीं, मालूम है हमारे को आप क्या लिए क्या नहीं लिए, मगर आप बोलिए आप कैसा देते हैं? बस्ती वालों को नहीं देगी आप, बाहर वालों को? आप निगरान कर रहे हैं आप? आपको खबर बेचो बोल के ना रखे तो सुबह आपको कहीं को बोलना, हम मैं मुतवल्ली हूँ। हाँ, आपको बोलना जरूरी है क्या? सब कहीं को दे रहा हूँ, नहीं को मेरी निगरानी में मैं दे रहा हूँ। और कहीं को दे रहे हैं? इजाजत लिए आग आ रहे हैं, उनको बात करो आप। किससे किससे बात करो? आ रहे हैं, बात करो। सीओ साहब आ रहे हैं? असदुल्ला साहब आ रहे हैं? हाँ, खादर साहब आ रहे हैं। खादर साहब सीओ है? हाँ, जो खादर साहब आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड के सीओ है, उन जी सीओ है वहाँ तेलंगाना के आंध्र के जी। तो किसको दिए आप? उनको दिए, सीओ साहब को दिए। सीओ साहब को दिए? उनका हड़वाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, कैसा देते हैं? हड़वाड़ है कहते हैं। क्या करने का? अपन बोले दिए, खत्म हो गए। बोलो बोलो बोलो, बिले बोलते जा, कैसा देते जी? बोलो कैसा देते? अरे तुमको कहीं को बोलूंगा भाई, कैसा देते है क्या है भाई? कैसा देते है आप मुतवल्ली? वो तो निगरान कर रहे हैं आप, कैसा देते हैं निगरान का? मेरी निगरानी उसको दे देते? मेरी निगरानी तो मेरी इज्जत आज तक तुमको नहीं दिए, किसको दिए? किसको दिए बताओ? बस्ती वालों को किसको दिए? किसको दिए बस्ती वालों को? बस्ती वालों को भी दिए, सब बाहर को भी दिए, अंदर को भी दिए, सब दिए। कब दिए भाई? वो जमाना सालों से दे रहे जो है, खास जो खबर वाले है जिसके है। नहीं अब ये तो खबर नहीं थी बोले ना भाई,
आप खबर खुद देना, लागू नहीं हो बस्ती को देना बाहर है मेरी निगरानी। बोलो बोलो आप खबर खुद देना भाई, तो आप क्या आप जगह सा खाली थी ना वो जगह है मैं दे रहा हूँ नकल जाता हूँ। अब बोलो बोलो भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप बोलो आपका बोलो आप खबर खुद देना क्या क्या अरे हाओ भाई वहाँ खाली जगह थी ना वो, खाली आपसे सवाल कर रहा हूँ जवाब दो आप। मैं देता हूँ आपको थोड़ा। खाली जगह थी ना वो, खाली जगह से वो खाली जगह थी उन्होंने दिए जगह तो मेरी इजाजत को मैं दिखा रहा हूँ आप भी नहीं देते वो भी मेरी बगैर मुतवली की इजाजत को दफना ही नहीं सकता हूँ बगैर इजाजत होना रसीद होना मेरी और कोई जबरदस्ती करा तो उन्हीं जिम्मेदार होगा फिर महल वाले से पूछने की जरूरत ही नहीं मेरे को महल वालों का कब्रस्तान है क्या महल वाला कब्रस्तान इधर है मेरा कुछ वो कब्रस्तान है कौन कब्रस्तान है आपका जी कौन खबरस्तान है आपका पेपर आए फिर आपका ने उन खबरस्तान के अरे हाँ यार तुम कही तुम्हारे को कही कुछ अब तुम बोलो तुम कौन है मेरे को पूछने वाले बोलो आप क्या ले कौन है भाई तुम अच्छा हाँ कौन है तुम मीडिया मीडिया है हम लोग हाँ क्या मीडिया बोलो जाओ बोलो 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 मीडिया को बुला के ला जाओ पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को बुला के ला अच्छा बोलो आप बोलो बोलते यार अरे इधराओ जी कहाँ जा रहे अरे बात करो जी इधराओ अरे इधराओ कहाँ जा रही अरे भाग रहे सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़ मुझे इजाजत दीजिए मैं जारा शेर।